गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आर क्लास इंस्पायर इंग्लिश प्लानट मैं आपके मैंटोर शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर हेलो मुस्कान हाय सुखप्रीत एंड प्रीत कंवल गुरलिन ममता राजन जीनिया शैलजा शाइना बत्रा शाइना बत्रा आप मेरा मेरे, मेरे मुँह से आपका नाम पूरा शाइना बत्रा ही निकलता है हेलो <laughs> दीक्षा हाँ जी मुस्कान धर्मपाल जी पुलर साहब नेहा नितिका शुरू करें क्लास गुड इवनिंग साजन हेलो चेतना चेतना कभी कभी आती है क्लास में हेलो सिद्धू मोनिका जी एंड शगन सिद्धू गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग चलिए हेलो स्तुति वेलकम बैक बहुत टाइम बाद वापसी हुई है क्लास में आपकी हेलो लखवीर एंड रविदीप सान्या अच्छा ये ग्लिम्सिस वाली लखवीर नहीं है ग्लिमसिस वाला कि किसका नाम है ग्लिमसिस भूल गई मैं हाँ जी हरप्रीत जी तो आज है क्लास में तीन राइटर्स का टेस्ट मैरी शैली एम जी लुइस एंड जोसफ एडिसन हम्म ओके ओके जी हाँ जी नीलम ठीक है कोई बात नहीं बाद में दे लेना आज तीन राइटर्स का टेस्ट है आपका आवाज वगैरह सब ठीक है तो शुरू करते हैं हाँ जी हाँ जी ऑफ कोर्स धर्मपाल जी सही याद करवाया हाँ तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजा देनी चाहिए लाइक बटन की ओके ओके चेतना चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं क्लास मास्टर कैडर का रनिंग है बैच ऐप डाउनलोड कर लेना चलिए हु वॉज द फादर ऑफ मैरी शैली बताइए मैरी शैली के फादर ऑप्शंस में लिखे हुए हैं फटाफट से बताइए गुड इवनिंग रविंदर ताकि हेलो हरमन हाँ जी हाँ जी करते चलो आंसर वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे विलियम गॉडविन yes विलियम गॉडविन है मैरी शैली के फादर ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं इनका फेमस वर्क कौन सा आया था कैलेब विलियम्स ठीक है जिसका सब टाइटल है थिंग्स एज दे आर तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो करवा रही हूं ठीक है आनी चाहिए ये एग्जाम में आपको हाउ ओल्ड वॉज मैरी शेली वैन शी रोट फ्रेंकनस्टीन फ्रेंकेंस्टीन एक नावल uh, उनका आया था बहुत फेमस तब वो कितने सालों की थी बहुत इजी है ये डेट याद रखनी बहुत इजी है हाँ जी पुल्लर जी बिल्कुल ठीक हाँ जी श्रुति यस yes, राजन बिल्कुल ठीक नितिका वेरी गुड वेरी गुड एटीन इयर्स की थी और ये वर्क भी एटीन एटीन में आया था और एटीन ईयर्स की ही थी वो हाँ जी बिल्कुल ठीक पी बी शैली थे विलियम गॉडविन से वेन वॉज़ मैरी शैली बोर्न बताइए मैरी शैली का जन्म कब हुआ आपको बताया था कि किस तरीके से इसकी डेट याद रखनी है हाँ जी प्रिया वेरी गुड दीक्षा हाँ जी शाइना एंड नितिका। जी सबका ठीक है वेरी गुड 1797 में इनका जन्म हुआ था एग्जैक्ट वन ईयर बिफोर लिरिकल बैलेट्स ठीक है और लिरिकल बैलेट्स भी बोल सकते हैं और हम इसे रोमांटिक एज का बिगिनिंग भी बोल सकते हैं कल धर्मपाल जी पूछ रहे थे कि मैम ये वाली एज कौन सी काउंट होगी तो इसको हम एंड ऑफ एटीन सेंचुरी काउंट करेंगे फ्रेंकस्टीन इज़ अ फ्रेम स्टोरी रिटर्न इन वर्स फॉर्म डायलॉग फॉर्म अपिस्लरी फॉर्म और नन ऑफ द दब आज ही आपके क्वेश्चन बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया कुछ फोर्टी सिक्स के करीब क्वेश्चन यहाँ पर हैं कुछ आ, मेरे ख्याल से सेवेंटी के करीब क्वेश्चन बैच क्लास के लिए भी हैं इसी तीन टॉपिक्स पर ही तो बस इतने सारे क्वेश्चन बनाने थे तो आज बहुत देर लग गई आज सारा दिन मेरा इन्हीं क्वेश्चन ने ले लिया यस yes, बिल्कुल ठीक अपिलरी नॉवल हाँ जी अपिरी फॉर्म थी अपिलरी नॉवल था ये एक फ्रेम स्टोरी थी जिसमें डबल नरेशन होती है जिसका एक नैरेटिव जो दे रहा है वो है हमारा रॉबर्ट वॉल्टन और एक नरेशन दे रहा है विक्टर फ्रेंकनस्टीन इवन की जो मोन्स्टर फ्रेंकेंस्टीन है वो भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है जो बोलता है वो अपना ही अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है तो इसमें थ्री नरेशन टोटल काउंट होती हैं तीन पॉइंट ऑफ व्यू हैं अलग अलग पर्सन के डायलॉग शुरू रॉबर्ट वॉल्टन से होते हैं फिर कहानी विक्टर की आ जाती है और बाद में जो मोन्स्टर है फ्रेंकेंस्टीन उसकी कहानी भी बीच में बताई जाती है ठीक है चलिए मैरी शेली रोट द नॉवेल अ फ्रेम स्टोरी अच्छा वही बात पूछ ली गई दैट वन कैरेक्टर राइटिंग लेटर्स टू हिज सिस्टर तो किससे कहानी स्टार्ट हो रही है जो अपनी बहन को एक लेटर लिख रहा है जिसमें उसने सारी कहानी भी बताई है कौन कहानी स्टार्ट करता है हु इज दैट करेक्टर कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन बिल्कुल ठीक हां जी वेरी गुड किसकी कहानी है ये नॉवल शुरू कहाँ से होता है कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन से शुरू होता है बिल्कुल ठीक प्रतिभा आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है हाँ जी स्टोरी नहीं पढ़ी प्रतिभा ने तभी नहीं आता उनको बाकी सबका ठीक है हाँ जी सी ऑप्शन चलिए बताइए हु ऑब्जर्व फर्दर दैट द मंक वाज अ नॉवेल विच इफ अ पेरेंट सो इन देंड्स ऑफ अ सन और डॉटर ही माइट रीजनेबली टर्न पेल कि अगर पेरेंट्स देख लेंगे किसी के बच्चे के हाथ में ऐसी नॉवल पकड़ी तो वो पीले पड़ जाएंगे ये लाइन किसने बोली थी करवाया हुआ क्वेश्चन है बेस्ट स्टूडेंट को बताइए किसने बोली थी ये लाइन वेरी गुड बिल्कुल ठीक एस टी कॉलरिज ने बोली थी ये लाइंस इवन की जब द मंक नॉवेल है ना इसके ऊपर पूरी क्रिटिकल थ्योरी जो है पूरी मतलब कोर्ट्स जितनी भी आती हैं द ऊपर सारे क्रिटिकल अप्रेजल एस टी कॉलरिज ने ही करी थी ठीक है तो कभी भी मंक के ऊपर के ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ कि क्या आंसर करें तो कॉलरिज चुप करके आंसर कर देना प्रोमिथियस बाउंड वॉज अ प्ले बाय बताइए प्रोमिथियस बाउंड किसका प्ले है हुँ. बिल्कुल ठीक पुलर जी अगला आंसर करिए कि दीवार पे गंदी मार बताइए हाँ जी बिल्कुल ठीक एस्काइलस का वर्क है ये प्रोमीथियस बाउंड हाँ जी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आगे है विच राइटर मेड दिस स्टेटमेंट अबाउट हिमसेल्फ अपने लिए किसने ये बात बोली है बताइए। किसने बोला है ये जी नितिका बिल्कुल ठीक जी जीनिया शाइना राजन वेरी गुड जी ममता एंड मुस्कान प्रीत पूजा पुलर हरप्रीत अरे वाह भाई वाह सारे ही सही आंसर दोगे भेड़ चाल तो नहीं कर रहे ना कि एक ने दिया है तो देखा देखी सब करने लगे हाँ जी रविंदर जी बिल्कुल ठीक द सब टाइटल ऑफ द मंक का सब टाइटल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर पूछा जाता है ये द मंक का सब टाइटल क्या है इसमें जी वेरी गुड धर्मपाल जी नितिका ममता श्रुति जीनिया दीक्षा यस अ रोमांस यस बिल्कुल ठीक अ रोमांस आप लोग क्या करना ना एक लिस्ट बना लेना क्योंकि बहुत सारे वर्क्स अभी अगस्टन एज से लेके ना पूरी रोमांटिक एज तक बहुत सारे वर्क्स ऐसे आए हैं जिनका सब टाइटल अ रोमांस है तो एक लिस्ट बना लेना कि किनके किनके सब टाइटल्स रोमांस है ठीक है तो आपको एक माइंड सेटअप सा हो जाता है कि हाँ भाई ये वाला आ गया तो इसका रोमांस ही आना है तो एक लिस्ट बना लेना चलिए कोट दिया हुआ है कॉफी हाउसेस के ऊपर है ये कोट बताइए कौन है किसने ये बात कही है मोरालिटी के ऊपर और कॉफी हाउसेस की बात कौन करता है जी ओके धर्मपाल जी हम्म यस yes, का ए आंसर जोसफ एडिसन यस बिल्कुल ठीक है जोसफ एडिसन जी एडिसन आल्सो लेफ्ट एन इनकम्प्लीट वर्क कौन सा वर्क इनकम्प्लीट रह गया था उनका फटाफट से आंसर करेंगे वर्जिल्स जियोग्रिक्स एंड डायलॉग्स ऑन मेडल्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन द ड्रमर कौनसा वर्क उनका इनकम्प्लीट रह गया था hmm. हाँ जी चौसर साहब बिल्कुल ठीक सी ऑप्शन ऑफ द क्रिश्चन रिलीजन यस रविंदर जी हाँ जी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ये उनकी ट्रांसलेशन थी कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है हम्म हम्म सबका ठीक है मैंने आज वाली पी डी एफ फाइल है जो आपकी एडिशन की ना उसमें कुछ एडिट किया है तो एक बार पी डी एफ फाइल दोबारा खोल लेना ठीक है द ड्रमर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है उसके अंदर तो थोड़ा एक बार पी डी एफ फाइल आप खोल के दोबारा पढ़ लेना सर एंड्रू फ्रीपोर्ट विल हनी सर रोजर डी कावरली अपियर इन ये तीनों ही कैरेक्टर्स कहां पर देखने को मिलते हैं एंड्रयू फ्री पोर्ट विल हनीकुम रोजर डी कावरले जी गुड इवनिंग रवीना जी बिल्कुल ठीक द स्पेक्टेटर और द स्पेक्टेटर किसका था एडिसन एंड स्टील का और द स्पेक्टेटर के अंदर ही द कावरली पेपर्स हैं एक अलग से आर्टिकल है द कावरली पेपर उसके अंदर ये कैरेक्टर्स आते हैं जो ऊपर क्वेश्चन में दिए गए हैं चलिए अब आगे कोट आ गई है आंसर करिए आई हैव नॉट पब्लिश्ड अ सिंगल पेपर दैट इज नॉट रिटर्न इन द स्पिरिट ऑफ बेनवलेंस एंड विद द लव ऑफ मैन काइंड मैंने एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें लोगों के भले के बारे में ना लिखा हो एडिसन स्टील पोप जॉनसन हाँ जी एडिसन बिल्कुल ठीक है आंसर चलिए सुडोनियम ऑफ एम जी लुइस इज बताइए सुडोनियम क्या है एम जी लुइस का हाँ जी रवीना बिल्कुल ठीक बहुत अच्छी तैयारी चल रही है वेरी गुड वेरी गुड ओके आ, मुस्कान जी कहाँ से पढ़ के आए हैं आप हम्म यस जो रेगुलर क्लास में आते हैं ना रात को और मुझे ये एक्सक्यूज़ मत दिया करो कि मैम क्लास में आने से पहले रिवीजन नहीं करा ये मेरी गलती नहीं है आप लोग रिवीजन नहीं करते आपका क्या भरोसा आप तो पेपर में बिना रिवीजन के चले जाओ ठीक है तो ऐसी स्टंटबाजी मत किया करो क्लास में प्रिपेयर होके आया करो तो एम जी लुइस का सुडोनियम क्या था मार्टियस मून शाइन इस नाम से तो वो पॉपुलर हुए हैं ना अपने नाम से तो ये उनका सुडोनियम थोड़ी था ये नाम तो उनको बाद में दे दिया लोगों ने कि हाँ भाई अब आपको मंक लुइस ये मंक लुइस के नाम से फेमस हो गए थे क्योंकि इनके वर्क का नाम मंक था बट इनका सुडोनियम तो ये था ना मार्टियस मूनशाइन इस इस वाले सुडोनियम से उन्होंने अपना एक बहुत ही पॉपुलर सटायर लिखा था जिसके ऊपर उन्होंने अपने मंक लुइस के बारे में भी चर्चा की है कि मंक लुइस के अंदर उन्होंने क्या कहना चाहा है लोगों को ठीक है और बोज किसका था Uh, किसका था बोल्स चार्ल्स डिकन्स का क्रिस्विक किसका था मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट का मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट ने द फीमेल रीडर अपना एक ऐसे दिया था फीमेल रीडर उसके लिए उन्होंने ये वाला सुडोनियम यूज किया था मंक के लिए एम जी लुइस पॉपुलर हुए थे और मार्टिनस मार्टियस मूनशाइन इनका सिडोनियम सु, था अच्छा धर्मपाल जी आप इसको बिज्जू क्यों बोलते हो ठीक <laughs> है आप क्यों बोलते हो हु एंड एसियाटिक बताइए हां जी लूसी पोइम वजवत की थी कितना इजी क्वेश्चन है ये ज्योति बोबर जी लूसी पोइम्स लूसी फाइव पोइम्स की कलेक्शन है ये वजवत की है हां जी मैथ्यू आर्नल्ड बिल्कुल ठीक मैथ्यू आर्नल्ड ने एडिसन को क्या बोला एटिक एंड एशियाटिक रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली रिटर्न बाय मैरी शैली इट गॉट पब्लिश्ड इन अब ये ट्रैवलॉग था ये ट्रैवलॉग था एक ये मैरी शैली ने कब पब्लिश किया था बताइए 44, 40, 47, 17 कब किया था बताइए बताइए हम्म हाँ जी बिल्कुल ठीक है 1844 में हाँ जी Which club was founded by Joseph Edison? Kit Kat Club, स्क्रिबलेरियस Hunt Club, Spectator Club. Club की बात हो रही है कौन सा club बनाया था Joseph एडिसन ने hmm. Viewers ज्यादा हैं और लाइक्स कम हैं नजायज कर देते हो कभी कभी मैं कह रही हूँ मुझे बहुत समय लगा आज के questions में यस किट कैट क्लब बिल्कुल ठीक किट कैट क्लब किसने बनवाया था एडिसन ने किसके साथ मिलके स्टील के साथ मिलके जी ये स्पेक्टेटर क्लब नाम का कोई क्लब नहीं था स्क्रिबलेरियस क्लब पोप और डॉक्टर आर्बत नॉट इनका था और हंट क्लब लुई ली हंट का था इसमें पीबी शैली भी थे और इसमें मैं ली हंट के साथ और एक बंदा और था पी बी शैली और... और स्किप हो गया मेरे माइंड से ठीक है तो ये हंट ली हंट का था ठीक है ये ध्यान रख लेना चलिए हु इज द टाइटलर कैरेक्टर इन द मंक मंक में मंक कौन है जी बिल्कुल ठीक वो अगस्टस वालों का था किटकेट वो स्क्रिबलेरियस क्लब हाँ जी टाइटलर करेक्टर कौन है द मंक में रेमंड लोरेंजो एम्ब्रोजियो या रोजेरियो हाँ जी ममता वेरी गुड एम्ब्रोजियो है वो एक मंक है इसमें ठीक है तो इसकी स्टोरी पढ़ लेना बहुत अच्छी स्टोरी है पीडीएफ आपको दे दिया है उसको डाउनलोड करवाओ डाउनलोड uh, करो प्रिंट आउट निकलवाओ और स्टोरी बहुत बढ़िया है पढ़ो इसे बैठ के वट आइटम डज मेटिल्डा आस्क फॉर आस्क एम्ब्रोजियो फॉर एज अ टोकन ऑफ़ हिज अफेक्शन मेटिल्डा क्या मांग लेती है एम्ब्रोजियो से क्योंकि एम्ब्रोजियो को पता चल जाता है कि मटिलडा एक्चुअल में मटिल्डा नहीं है तो मटिल्डा को जाने को बोल दिया जाता है तो वो कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी पर तुम मेरे को कुछ तो अपनी टोकन ऑफ लव दे दो तो वो क्या मांगती है थैंक यू धर्मपाल जी <laughs> हां जी बिल्कुल ठीक यस बी ऑप्शन रोज मांगती है वो यस वोस्ट एम्ब्रोजियो सडन रिकवरी फ्रॉम द वेनम अब रोज लेने गया है जब एम्ब्रोजियो तो उसको रस्ते में एक किसी ने काट लिया है वो मैंने क्वेश्चन में डाला है ठीक है किसने काटा है वो क्वेश्चन में डाला हुआ आगे तो उसके जहर को रिकवरी कैसे हुई थी बताइए क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना ताकि मुझे पता लगे अभी तक पिछला आंसर कर रहे हो या ये वाला कर रहे हो जी <laughs> जी हां जी बिल्कुल ठीक प्रीत कमल मटिल्डा ने सारा जहर चूस लिया था और खुद फिर मरने के कगार पर आ गई थी तो चलिए बताओ वो रोज लेने गया है फ्लावर लेने गया है तो किसने काटा किस एनिमल ने काटा स्पाइडर ने रैबिट डॉग ने सरपेंट ने या फॉक्स ने हम्म हम्म हाँ जी बिल्कुल ठीक ममता सरपेंट ने यस सरपेंट ने काट लिया था एम्ब्रोजियो को The subtitle of Frankenstein is, बहुत लड्डू क्वेश्चन है पर पेपर में फिर भी पूछा तो जाना ही है इतनी इजी चीज है पेपर में फिर भी पूछी जाती है इतनी इजी चीजें भी फटाफट बताइए एक्चुअल में क्या होता है ना जो बंदा तैयारी करता है उसको सब इजी लगता है और जो पहली बार ऐसे ही पेपर दे आते हैं उन्हें लगता है जी सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया हाँ जी सी ऑप्शन द मॉडर्न प्रोमीथियस बुरा मत मानना बीच बीच में मुझे अगर वासी आ जाती है नींद की लगता है मुझे आप लोगों के चक्कर में मेरी नींद बहुत कम हो गई है जी द चीफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द स्पेक्टेटर क्लब दो आंसर आएंगे फटाफट आंसर करो Who were, क्योंकि वर were पूछा है वो नहीं पूछा वर पूछा है दो ऑप्शन आंसर में आएंगी स्पेक्टेटर क्लब के दो जने मेंबर थे इसमें से जी प्रीत कमल जी बस यही स्पिरिट चाहिए यही स्पिरिट चाहिए देख लो प्रीत कमल जी को बुखार है फिर भी वो क्लास अटेंड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे साथ भी यही होता है कितनी बीमार चल रही होती हूँ फिर भी आप लोगों का काम जरूर बनाती हूँ बस हाँ कभी क्लास में नहीं ले पाती पर बैक एंड पे काम जरूर बन रहा होता है यस एडिसन एंड स्टील आर फॉर प्रीत कमल जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जोसेफ एडिसन हेल्प डैश टू फॉर्म किटकैट क्लब किसकी मदद की थी जोसेफ एडिसन ने मास्टर कैडर का आया हुआ क्वेश्चन है ये <laughs> हाय प्यार प्यारे करो भाई नजर फिर भी ला दूसुति कोई ना जी फील कर पा रहे हैं थोड़ा दुख भी हाँ जी रिचर्ड स्टील बेटा ये मास्टर कैडर का ही क्वेश्चन है ये वाला भी एंड ये वाला भी दोनों क्वेश्चन मास्टर कैडर के, के प्रीवियस ईयर पेपर वाले हैं चलो हु इज द ये भी ये भी मास्टर कैडर वाला क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ कैटो कैटोआ ट्रेजेडी दॉ हार्ट रोजर एट द थिएटर द विजन ऑफ मिर्जा ये सारे ही वर्क्स किसके हैं ये सारे वर्क्स किसके हैं बताइए हां जी एडिसन के तो ये चारों वर्क्स ये भी मास्टर कैडर का ही क्वेश्चन है ये चारों नाम अपनी एडिशन वाला जो आपने पेज बनाया है ना उसमें नोट डाउन कर लेना ठीक है कभी कभी पेपर में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डाइसेक्शन ऑफ कॉकेट हार्ट किसका है विजन ऑफ मिर्जा किसका है विजन ऑफ मिर्जा क्या था प्ले था नॉवल था पोइम थी जैसे ये एक ट्रेजडी है यानी कि ट्रेजडी है तो ये एक ड्रामा हुआ ठीक है तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि कौन सा यौनरा किसका है तो अभी ही इसके नोट्स बना लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी जी डैश इज डेडिकेटेड टू विलियम गॉडविन मेटिल्डा फ्रेंकनस्टीन द लास्ट मैन पर्किन वर्बैक किस चीज को विलियम गॉडविन को डेडिकेट किया गया था इसमें से सारे ही वर्क किसके हैं मैरी शैली के तो मैरी शैली ने अपने फादर को क्या डेडिकेट किया था यस बी ऑप्शन फ्रेंकनस्टीन यस नोट अ वर्क बाय मैरी शैली ये भी मास्टर कैडर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से उठाया है कौन सा वर्क नहीं है मैरी शैली का बताइए हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे अभी लाशा ने लाइक नहीं किया वीडियो को हाँ जी यस yes, सडिशन किसका वर्क है ये फिर ये चेक कर लेना एक बार मेरे ख्याल से जेन ऑस्टन का होना चाहिए फिर भी एक बार चेक कर लेना द ड्रमर इज सेवेंटी प्ले बाय द ब्रिटिश राइटर किसका वर्क है द ड्रमर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मास्टर कैडर का किसका वर्क है द ड्रमर जी बिल्कुल ठीक मुस्कान एडिशन उसी का है ना जेन ऑस्टन का ही जी जोसफ एडिसन बिल्कुल ठीक चलिए आगे आता है हु एडिसन एंड स्टील एज कैरेक्टर्स इन हिज द हिस्ट्री ऑफ हेनरी हैनरी द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमंड में एडिसन और स्टील कैरेक्टर्स किसने शो किए थे किसने शो किए थे एडिसन और स्टील कैरेक्टर्स हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमंड में कोई गल नहीं कमलेश जी बुरा ना मनिया करो मैनु फायदा होंगे <laughs> मेरे करके एक मिनट बर्दाश्त कर लिया करो कुछ नहीं होंगे एक मिनट तो लगता ही नहीं हाँ जी विलियम ठाकरे दो तीन दिन से मैं लगातार आपको बता रही हूँ विलियम ठाकरे का फेमस वर्क है वैनिटी फेयर 1847 में है, आपके के नहीं है, बट फिर भी बहुत बनते हैं ये ठीक है तो कोई चीज ऐसी होती है पूछ ली जाती है फिर भी एग्जाम में क्योंकि रिलेटेड तो इन्ही सबके हैं ना ये हैं तो ये भी रोमांटिक और रोमांटिक एज अगर सिलेबस में है आपके तो ये तो जरूर बनते हैं फिर क्वेश्चन मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है द फ्री होल्डर न्यूज पेपर ऑफ एडिसन वॉज अपियर इन बताइए फ्री होल्डर न्यूज पेपर किस एडिसन uh, का था पेपर में यह भी पूछा जाता है कि किसका है तो एडिसन का है कब आया था हाँ जी नितिका बाकी सबको भी आंसर करना है हाँ जी बिल्कुल ठीक पंद्रह से सोलह में <laughs> ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 30 ਸਕਿੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਸਕਿੱਪੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੂ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਐਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵੂਨਡ ਐਂਡ ਯੈਟ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ कोई गल नहीं तुम माड़ा जा बैक करके सुन लिया करो <laughs> जी नवा फीचर से यूट्यूब का मैं ऑन ही किया है कि कोई गल नहीं थोड़ा जा चैनल नो ग्रोथ भी मिलती है यस yes, एडिसन को क्या बनाया था एटिकस वेरी गुड और हार्वे को क्या दिखाया था स्पोरस नाम से और जो ये एटिकस है उनके लिए इन्होंने ये लाइन बोली थी विलिंग टू वोन एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक चलिए द प्रिफेस ऑफ फॉर मैरी शैली बाय पी बी शैली किसके लिए प्रिफेस लिखा था मेटिल्डा फ्रेंकनस्टीन द लास्ट मैन पर्कन वैक किसके लिए लिखा था बताइए प्रिफेस किसके लिए लिखा था कल परसों मुझे किसने मैसेज करा था कि मैम फेरी क्वीन का प्रिफेस किसने लिखा है किसी स्टूडेंट का आया था मुझे नाम नहीं याद पर क्वेश्चन याद है बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि फेरी क्वीन का प्रिफेस किसने दिया है ये जिसने लिखी है उसी ने दिया है प्रिफेस स्पेंसर का ही है प्रिफेस भी स्पेंसर का ही है बट उसने ये प्रिफेस लिखने के बाद लेटर लिखा था जिस लेटर में प्रिफेस लिखा था वो लेटर वॉल्टर रेले को लिखा था ठीक है स्पेंसर ने वोल्टर रैले को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर प्रिफेंस लिख के दिया था और यानी कि प्रिफेंस लिखा किसने स्पेंसर ने लिखा है ठीक है और यहाँ पर मैरी शैली के लिए पीबी बी शैली ने फ्रेंकन का प्रिफेंस लिखा है और फ्रेंकन डेडिकेट किसको की है विलियम गॉडविन को तो जहाँ जब, जब जब डाउट आता है ना बेटा चीज़ें तभी के तभी क्लियर कर लिया करो और माइंड में रखना नहीं होता क्योंकि कभी कभी डाउट वाले क्वेश्चन सीधा पेपर में टकराते हैं फिर नहीं रितु ने इसका नहीं पूछा था किसी और ने पूछा होगा द कैसल स्पेक्टर इज अ वर्क बाय ये भी मास्टर कैडर का ही क्वेश्चन है The castle किसका वर्क है करवाया गया चीज है आपको करवाया हुआ है ये हां जी एम जी लुइस यहीं से आप डरावने से भी याद कर सकते हो कि कुछ कासल में कुछ प्रॉब्लम है कासल में कुछ डरावनी चीज है और जो द इनका मंक था वो भी बड़ा ही डरावना था

मटिल्डा वर्क किसका है वेरी गुड नितिका बहुत अच्छे मैरी शैली का ठीक है ये फ्रेंकन के अगले साल ही आ गया था 1819 में यस वेन वॉज मैरी शैली डाय कब मरी थी बताइए जल्दी से जल्दी हम्म अच्छा फिर दीक्षा बता दो फिर पब्लिश कब हुआ था हाँ जी कब मरी थी ये 1851 में बताया था आपको 1850 में वजवत मरे थे और 1851 में मैरी शैली uh, मरी थी हम्म और 1850 में ही टेनिसन पोइट लॉरियट भी बने थे ठीक है पोइट लॉरियट मैरी शैली डाइड ऑफ हम्म Mary Shelley died of heart attack, cancer, brain tumor, अच्छा नहीं सुनो चाएना, चाएना, बाहर से नहीं करना मुझे भी नीचे जाना है जो, हाँ, है ऐसे चल ठीक कोई बात नहीं मैरी शैली डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर आंटी से करवा ले ब्रेन ट्यूमर हां जी यौनरा ऑफ फ्रेंकेंस्टीन इज क्या है फ्रेंकेंस्टीन एक क्या है ये गोटिक फिक्शन है सबको आता है ना ये तो जो द मंक है वो भी क्या था गोटिक फिक्शन ही है और फ्रेंकेंस्टीन भी क्या है गोटिक फिक्शन है दोनों में पहले कौन सा आया था द मंक 1796 में फ्रेंकेंस्टीन कब आया था 1818 एटीन 18 में और आ, मैरी शेली ने फ्रेंकेंस्टीन लिखने के लिए द मंक को ही पढ़ा था द मंक से ही वो इंस्पायर्ड भी हुई थी लिखने के लिए ठीक है जी हु इज द मदर ऑफ मैरी शैली आपको सबको आता है आपके सिलेबस में भी है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट ठीक है ये इनकी सेकेंड डॉटर थी मैरी शैली पहली इनकी इन डॉटर है यस फैनी इमले इनकी इन डॉटर है जी जी चलिए मैरी शैली किन की बीवी हैं ये इजी इजी क्वेश्चंस हैं पेपर में पूछे जाते हैं इसीलिए रिपीट करे हैं यहाँ पे और आपको बहुत सारे सेवेंटी के करीब क्वेश्चन पी में एप के ऊपर मिल जाएंगे जबकि फटाफट से सोल्व कर लेना यस पी बी शैली यहाँ पर मैंने जानबूझ के शैली नहीं लिखा परसी बिशी लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि उनका पूरा एक तो नाम परसी बिशी था और ये मैरी शैली इनकी सेकंड वाइफ थी ठीक है इनकी पहली वाइफ का नाम हैरियट था टेल्स द स्टोरी ऑफ यंग साइंटिस्ट कौन है फ्रेंकन लेमुअल जॉर्ज सेमुअल या विक्टर बहुत इजी है हां जी विक्टर इसी तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं मास्टर कैडर में देख लो बढ़िया तैयारी हो रही है आप लोगों की एटीन सिक्सटीन मेरी एंड पीबी शैली स्टेड इन कहाँ पर जाते हैं वो दोनों इनकी शादी हो जाती है कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इटली लंडन सिडनी जिनेवा पर शिफ्ट होते हैं वो लोग yes, yes, कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड प्रोमिथियस अनबाउंड was अ प्ले बाय बताइए जल्दी जल्दी बताइए प्रोमीथियस अनबाउंड किसका वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड हाँ जी किसका है ये शैली का बिल्कुल ठीक योंड्रा इसका इसका योंड्रा कमेंट करके बताना कितने बच्चे आए हो क्लास में इतने कमेंट्स तो कम से कम बनते ही हैं सब लोग आंसर को दोगे तो पेपर में पूछा जाएगा इस बार मास्टर कैडर में यही क्वेश्चन आने वाला है प्रोमिथियस अनबाउंड क्या चीज़ है ऑप्शन दे देती हूँ क्या ये एक लिरिकल ड्रामा है क्या ये एक क्लोजेड ड्रामा है क्या ये एक वर्स प्ले है क्या ये एक ट्रेजिडी है ठीक है

कौन से स्टाइल का नॉवल था इसके साथ साथ ये बिल्डिंग रोमान कंसलर रोमान और यस दीक्षा बिल्कुल ठीक फॉर्म में था बिल्कुल ठीक लेटर्स फॉर्म में था का मतलब होता है लेटर्स द मॉडर्न प्रोमीथियस टर्म वॉज डिराइड फ्रॉम ये टर्म कहाँ से आई है किसने लिखी है जिसका आप सब टाइटल पढ़ते हैं फ्रेंकनस्टीन के साथ तो ये सब टाइटल देने के लिए ये टर्म कहाँ से पिक की थी मैरी शैली ने हम्म हाँ जी प्रिया वेरी गुड यस ज्योति इमैनुअल कैंट ठीक है इमैनुअल कैंट चलिए इन द सेकेंड लॉन्ग वर्क ऑफ फिक्शन मैरी अच्छा सीधा ही देख लो सेकेंड लॉन्ग वर्क उनका कौन सा है जिसमें इंसेस्ट और सुसाइड की थीम है इंसेस्ट थीम और सुसाइड दिखाया है मटिलडा फ्रेंकिस लास्ट मैन पर्क इन बताइए जी फोर्टी फाइव का आंसर करेंगे बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, दीक्षा बहुत बढ़िया मटिल्डा में इंसेस्टुअस थीम और सुसाइड की बात की गई है ये इनका सेकंड वर्क था एटीन नाइनटीन में आया था चलिए द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ कैस्ट्रूशियो प्रिंस ऑफ लूका इज द सब टाइटल ऑफ किसका सब टाइटल है ये प्रिंस ऑफ लूका की कहानी किसके अंदर है इट इज द सब टाइटल ऑफ जी फोर्टी सिक्स का आंसर करेंगे लिख के बताइए फोर्टी सिक्स हां जी यस वेल पगा बिल्कुल ठीक इम्पोर्टेंट बनता है और सही भी है चलिए आपके फोर्टी सिक्स में से कितने आंसर्स ठीक हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई थिंक आपको अब ये राइटर्स पूरी तरह से याद हो गए होंगे जी थर्टी फोर क्लियर कर दो प्लीज़ थर्टी फोर कैडा सी थर्टी फोर पब्लिश्ड इन एटीन नाइनटीन ये आप नोट्स में चेक कर लेना ना फिर क्या है मेरे को तो एटीन नाइनटीन पता है ये क्वेश्चन बनाया भी मैंने एटीन नाइनटीन को ही माइंड में के है ठीक है अगर आपको कोई और डेट लगती है तो फिर मुझे बता देना क्योंकि मैंने क्वेश्चन एटीन नाइनटीन के हिसाब से ही बनाया है ठीक है अच्छा ठीक है मैं दोबारा फिर चेक कर लूंगी उसको अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर क्वेश्चन लिखते टाइम मैंने नहीं सोचा कि रिटर्न देना है या पब्लिश देना है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर फिर हम रिटर्न कर लेंगे क्योंकि माइंड में मेरे यही था कि आपसे एटीन नाइनटीन डेट पूछनी है और फिर मैंने रिटर्न की जगह पब्लिश लिख दिया होगा ठीक है चलिए तो कमेंट में अपने मार्क्स बता देना और बहुत बढ़िया पेपर गया है आज का और बाकी के इसका होमवर्क ले लो बाकी का कि क्या करके आना है आपको कल के टेस्ट में पोप एंड स्विफ्ट इनके दोनों के मिला के कुछ फोर्टी के करीब क्वेश्चन आएंगे तो वो करके आना रेडी ठीक है पोप एंड स्विफ्ट करके आना पोप एंड स्विफ्ट होने के बाद आपकी अगस्तन एज के सारे राइटर्स कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है अगस्तन एज के सारे राइटर्स कंप्लीट अगस्तन नहीं आ, कौन सी चल रही है ये रोमांटिक एज चल रही है ना अच्छा पोप एंड स्विफ्ट हाँ पीछे की एज आई अगस्टन एज कर लेंगे क्योंकि हम ड्राइडन कर चुके हैं मिल्टन भी कर चुके हैं यूट्यूब पर है ना पोप एंड स्विफ्ट रहता था तो ये एक बार कर लेंगे तो अगस्टन एज के ये दो राइटर्स भी हो जाएंगे नहीं रिवाइज हो जाएगा दीक्षा रिवाइज हो जाएगा पोप एंड स्विफ्ट जिनको आता है सुन लो बात जिनको पोप एंड स्विफ्ट आता है उनका हो जाएगा रिवाइज दोबारा से टेस्ट देने आ जाना एक बार ठीक है और जिनको नहीं आता तो वो दोबारा कर लेंगे नहीं तो आप लोग अगला टेस्ट मैं देख के बता देती हूं आपको अगला टेस्ट कौन सा देना है जी नेक्स्ट है फिर आप नेक्स्ट डे के टेस्ट की तैयारी भी कर लेना ना साथ साथ मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट एंड ली हंट जी हम्म ठीक है जी चलिए तो आप देख लो मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट और ली हंट आपको टेस्ट में मिले हैं बट ये टेस्ट परसों होगा मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट और ली हंट वाला ये वाला परसों होगा ठीक है और ये वाला कल होगा पोप एंड स्विफ्ट का ये वाला कल होना है वो वाला परसों होगा तो आपको प्रिपेयर चारों करके रखने हैं नहीं तो एक दिन में फिर आपसे प्रिपेयर होते नहीं है फिर रोने पिटने लग जाते हो कि मैम हमसे हुआ नहीं है ठीक है जी तैयारी चारों की करके रखनी है वो वाला परसों हो जाएगा चलिए ठीक है जिनका हो गया टेस्ट जाइए बाय बाय करते हैं और रात को आठ बजे वाली क्लास में मिलते हैं ली हंट के साथ हाँ जी शैलजा जी विजिबल हैं आप मैंने आपके मैसेजेस नहीं देखे क्या जी हाँ जी शैलजा कमेंट्स आपके विजिबल हैं चलिए बाय 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 बाय